So hello everyone, this is Neha. I hope you all are doing great. So guys, here I am, come back again with an election video. और आज की वीडियो होने वाली है जिंदाबाद सॉन्ग पे, जो कि सॉन्ग है बाय राजवीर जवांदा. तो आपको पता है कि कितने सही सॉन्ग होते हैं इनके. और अभी लेटेस्ट सॉन्ग आया था सुन दिल्ली, तो बहुत ही कमाल का वो सॉन्ग रहा है. और ये गाना आया है राजवीर जवांदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, और ये गाना आया है कल. तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट था इस सॉन्ग को सुनने की, बिकॉज गाने का जो टाइटल है बहुत ही कमाल का है, जिंदाबाद. और सामने दिख रहा है कि जिंदाबाद जो है वो आई थिंक हमारी हो रही है फार्मर प्रोटेस्टिंग, उसके उससे ये गाना रिलेट करता होगा. तो हम सुनेंगे गाने को, एंजॉय भी करेंगे, और बाकी बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पे. आप लोग जाके विजिट करो, देखो चैनल को. और वीडियोज अगर आपको अच्छी लगती है तो आपको लाइक भी करनी पड़ेगी वीडियो, और शेयर भी करना, और मुझे बताना कमेंट करके कि आपको कौन सी वीडियो सबसे अच्छी लगी. और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप जाके वो चेक कर लेना. और काफी शोर आ रहा है क्योंकि बाहर बच्चे खेल रहे हैं, तो उनकी आवाज़ें आ रही है. अब मैं उनको मना भी नहीं कर सकती कि आप प्लीज चुप हो जाओ, यही उनका टाइम है खेलने का, तो वो खेलेंगे ही. तो हम तो सुनते हैं गाना जिंदाबाद बाय राजवीर जवांदा. तो चलिए हम चल पड़ते हैं सॉन्ग की तरफ, बाकी बातें हम करते हैं बाद में. लेट्स प्ले द वीडियो. सत श्री अकाल. ओ दस देसी बैली ओहो जेड़ी पीड़ी कनेडा तो इटली कनेडा तो लैके कौम आउंदी नी जहाज रहूगी ओ उठी जेड़ी लहर तैनू याद रहूगी जिंदाबाद आ किसानी जिंदाबाद रहूगी जिंदाबाद आ किसानी जिंदाबाद रहूगी आ जिंदाबाद आ किसानी जिंदाबाद रहूगी. पुत पोते बाबे ते जवान आए ने मोर चेते करके नी माण आए ने ओ कीर्ती कमे ते किरसान आए ने हकूमतां दे अगे हक ताण आए ने रहे चढ़दी कला च साडा भाईचारा नी ओ साडा भाईचारा नी हक लई गूंजदी आवाज रहूगी
ਸਾਖੀ ਚੱਲ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜਮਾਂ ਮਿੱਥੀ ਪਈ ਐ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜੇ जिंदाबाद या किसानी जिंदाबाद रहोगी। तो मैं इस सॉन्ग के बारे में मतलब कहूंगी, मुझे अगर इसमें सबसे अच्छा जो लगा वो लगा इस सॉन्ग का म्यूजिक। म्यूजिक है केवी सिंह का और बहुत 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 ही प्यारा म्यूजिक है, क्योंकि गाने के लिरिक्स बहुत कमाल के हैं और सिंगर तो आपको पता है कि कमाल के हैं ही, लेकिन मुझे इस ना सॉन्ग का म्यूजिक बहुत पसंद आया क्योंकि म्यूजिक एकदम बीट्स में तो सुन के बहुत मजा आ रहा था सॉन्ग को। तो मुझे म्यूजिक सबसे अच्छा लगा इस सॉन्ग में और हैट्स ऑफ टू राजेंद्र जवांदा जिन्होंने इस सॉन्ग को गाया है, इतनी हिम्मत से गाया है। मुझे सुनने में इतनी मुश्किल हो रही थी क्योंकि मुझे नहीं देखा जा रहा था कि हमारे फार्मर्स के साथ इतना कुछ हो रहा है, और ऊपर से इस सॉन्ग में कहा गया कि मतलब हम पूरे रेडी हैं कि आज ऐलान हो जाएगा जंग का या कल। तो मुझे इसको देख के बहुत डर लग रहा है सुन के कि भगवान ना करे बट कभी कुछ ऐसी नौबत आए, जो भी हमारे भाई वहां पे गए हैं, फार्मर्स लोग वहां पे गए हैं, वो जैसे सुरक्षित गए हैं वैसे ही पहुंचे। वैसे भी काफी कुछ हो चुका है उनके साथ, तो अब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैं यही प्रे करती हूँ भगवान से, और आप लोग भी यही दुआ करो कि सब कुछ ठीक हो जाए, हमारे फार्मर्स के साथ सब कुछ अच्छा हो जाए और थोड़ी अकल दे हमारी सरकार को कि हमारे फार्मर्स जो चाहते हैं वो उनको मिले। मुझे सॉन्ग को सुन के थोड़ा रोना सा आ रहा था क्योंकि लिरिक्स वैसे थे ना, लेकिन म्यूजिक को सुन के थोड़ा मैंने एंजॉय भी कर लिया सॉन्ग, और बिल्कुल हार्ट टचिंग से लिरिक्स थे। बिल्कुल सच उन्होंने कहा है कि जिंदाबाद या किसानी जिंदाबाद रहूंगी, तो किसानी तो जिंदाबाद है ही, शुरू से हमेशा तक रहेगी जिंदाबाद, वो चाहे जितने भी लोग आ जाएं, जो मर्जी कह लें हमारे फार्मर्स को, लेकिन हमें पता है कि उनके खून पसीने की मेहनत है तो उनको वो मिलेगी ही जरूर। वो ऐसे अपना हक छोड़ के नहीं जाएंगे और उनको जाना भी नहीं चाहिए। हम भी उनके साथ हैं, आप भी उनके साथ हो, तो उन्हें हिम्मत हारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो अपने इस कंडीशंस का, इन सिचुएशंस का हिम्मत से सामना करें, हम उनके साथ हैं, बस सब कुछ ठीक हो जाए। जो भी सॉन्ग में कहा है कि हम लड़ाई है किसी चीज के लिए तैयार है, तो भगवान करे कि इसकी नौबत ना आए, सब ठीक हो जाए और सब अच्छा ही होगा। बी पॉजिटिव। हमारे किसानों को भी अब बहुत हिम्मत मिल चुकी है, बहुत सारे सॉन्ग्स आ चुके हैं और वो हार बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो ये रहा सॉन्ग जिंदाबाद, एंड मुझे बहुत पसंद आया सॉन्ग, तो आप लोग मुझे बताना कि आपको गाना कैसा लगा। तो ये रहा रिएक्शन, एंड हमेशा की तरह अब मैं कहूंगी जिसको सुन सुन के आप आई थिंक बोर भी होते होंगे कि वीडियो को आपको लाइक करना है शेयर करना है, तो मैं तो बोलती रहूंगी और आपको सुनना भी पड़ेगा क्योंकि मैंने वीडियो बनाई है, तो आपको लाइक तो करके जाना ही पड़ेगा और सब्सक्राइब भी कर देना आप चैनल को। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।